एक 15 दिसंबर में एक इनफॉर्मेशन आई सी स्पेसिफिक इनफॉर्मेशन के उपर CIA ने 4 लोग अरैसट किए थे जिन्हों के कोलों कि 4 वेपन जोड़े रिकवर हुए थे। जो उन्हों की बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक भी असं वर्कआउट करनी शुरू की सूँ पता लग्या भी इन्हों के जेल के नाम भी लिंक जुड़ते हैं। तो इस तो अलावा ये एक कोड वर्ड एक बंद का जिन्होंने 777 कहते हैं और वह बंदा जो है वैपन मंगवा के जो है पंजाब के वक्रे वक्री थावों के उपर सप्लाई कर रहा है। उस 777 आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगे भी वो अमृतसर जेल तो ऑपरेट कर रहा। तो उन्होंने आप प्रोडक्शन वरंट लेके आके तो साथियों लेके आके हूँ आप 8 होर वैपन जोड़े रिकवर किए। टोटल मिला के हूँ तक 12 वैपन जिद कि 6 पिस्तौल जोड़े 32 बोर के है, 4 पिस्तौल 315 बोर के, 2 30 बोर के, इस तो अलावा 50 वक्रे वक्रे जो कार्टेजेस है बुलेट्स है वो हूँ तक रिकवर हुई हैं। साड़ी हूँ तक की तफ्तीश के कुछ होर लोग भी सामने आए हैं जिड़े कि ये इन्वॉल्व है। तो साडे वालों कोशिश रहेगी भी जल्दी जोड़ा है पूरा यह जो वैपन सप्लाई रिंग है यू आप तोड़िए तो सारे बंदे जोड़े है उन्होंने सज़ा दवाई। हूँ तक की जी तफ्तीश है वह यह है भी इन किसी टाइम के उपर उ मोबाइल फोन का शायद एक्सैस रहा है इस करके उतों अंदरों कॉन्टैक्ट करने जग्गू भगवानपुरिया के नाले ये अपने 4 लोग तो जो पहले है वो तो अपने साढ़े रोपड़ चो ही अरैसट किए गए थे। उसके बाद जो बाकी है प्रोडक्शन फ्रंट लिया के उन्होंने मजीठे एरिया के रिकवरी अमृतसर तो रिकवरी हुई। सर मैं दसना चाहवागा भी शायद तुम्हें याद होगा भी कुछ समय पहले भी असं 20 वेपन जोड़े है रिकवर किए थे मध्य प्रदेश को सके। ये सारे ही जो हूँ तक भी जो नैटवर्क असी वर्कआउट कर रहे हैं सारे बैकवर्ड लिंकेजेस जोड़े है ये जाके मध्य प्रदेश और UP के जुड़ते हैं जिसमें सप्लाई आ रही है। उसी ऑपरेशन के दौरान ही ये वाली लीड भी डिवेलप हुई थी। तो सूँ ये सा होर लीड्स भी डिवेलप हुई हैं जिन्हें सूँ उम्मीद है भी सूँ होर भी वैपन रिकवर होंगे तो जो क्रिमिनल्स है आप अरेस्ट करने काम रखेंगे। देखो जे वैपन लैके आए हैं इलीगल वैपन लैके आए हैं तो ऑबवियसली कोशिश तो पंजाब की शांति में शायद भंग करने की भी रही होगी। पर माननीय CM साहब और DG साहब की हिदायतों मुताबिक असं जो है पूरे दुरुस्त है असं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके के नाल पंजाब का माहौल नहीं खराब होने देना क्रिमिनल्स को अपन किसी भी हालत में कोई भी डैमेज जो कि सारी सोसायटी नहीं होने देना है। तो ये उपर CM साहब और DG साहब के बहुत क्लीयर इंस्ट्रक्शन ने तो सूँ उम्मीद है कि असी इस खरा उतरा गए।